बीजेपी और शिवसेना के बीच जमी बर्फ पिघलती दिखाई दे रही है। कल बीजेपी नेता और राज्य के ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से मातोश्री में मुलाकात की और उन्हें अपनी लड़की की शादी का न्योता दिया। बताया जा रहा है कि इस दौरान दोनों नेताओं के बीच पीएमसी में मेयर पद जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। सूत्रों का कहना है कि पीएम मोदी से सीएम देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात के बाद बीजेपी के रुख में नरमी आई है। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने बीएमसी में मेयर पद के चुनाव के दौरान शिवसेना को समर्थन देने के संकेत दिए हैं। एमएनएस के साथ नगर सेवक बीएमसी चुनाव जीत कर आए हैं। अगर एमएनएस शिवसेना का समर्थन करती है तो मुंबई समेत महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिनों में नए समीकरण उभर कर आ सकते हैं। बीएमसी चुनाव के दौरान लाखों मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब होने के मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। बीएमसी की स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से यह आदेश दिया गया है। शिवसेना का आरोप है कि लिस्ट से गायब हुए ज्यादातर नाम मराठियों के थे और अगर ये नाम रहे होते तो शिवसेना और सीटें जीत कर आती। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार को झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के उस सर्कुलर को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि उन्हीं ऑटो रिक्शा चालकों को नए परमिट दिए जाएंगे जो मराठी बोलते हैं। नवंबर 2016 में सरकार ने एक सर्कुलर लाकर नए ऑटो रिक्शा परमिट के लिए मराठी बोलना और समझना अनिवार्य कर दिया था। ऑस्कर पुरस्कार समारोह में शामिल होने के बाद मुंबई लौटे सनी पवार का धूमधाम से स्वागत किया गया। सनी ने अपने माता पिता और दूसरे रिश्तेदारों के साथ शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से मुलाकात भी की। हॉलीवुड की फिल्म लायन में सनी पवार ने अभिनेता देव पटेल के बचपन का किरदार निभाया है जिसे खूब वाहवाही मिली। लायन को ऑस्कर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव में शिरोमणि अकाली दल बादल ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है। 46 में से 35 वार्ड में पार्टी को जीत मिली। परमजीत सिंह सरना की पार्टी शिरोमणि अकाली दल दिल्ली को सिर्फ 7 सीटें मिली। 2 सीटों पर अकाल सहाय वेलफेयर सोसाइटी ने जीत हासिल की जबकि 2 सीटें निर्दलीय के खाते में गई। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 12वीं क्लास तक पढ़ने वाली लड़कियों को मिड डे मील मिलेगा। 1 अप्रैल से नया नियम लागू होगा। फिलहाल 8वीं क्लास तक पढ़ने वाली लड़कियों को मिड डे मील दिया जाता है। केजरीवाल सरकार का दावा है कि पहली बार किसी राज्य में मिड डे मील की सुविधा 12वीं क्लास तक दी गई है। दिल्ली एनसीआर में अक्सर लगने वाले जाम से जल्द ही निजात मिल सकती है। आज से दिल्ली में दाखिल होने वाले ट्रकों को दिल्ली पार कराने का जिम्मा रेलवे लेने जा रही है। दिल्ली के एंट्री पॉइंट से ही ट्रकों को ट्रेन के जरिए दिल्ली के बाहर ले जाया जाएगा। रेल मंत्री सुरेश प्रभु इस योजना की शुरुआत करेंगे। रोजाना 15,000 से ज्यादा ट्रक दिल्ली से गुजरते हैं। इस योजना से जाम और प्रदूषण पर लगाम लगने की उम्मीद है। जेएनयू में 1 साल पहले देश विरोधी नारेबाजी केस में चार्जशीट दाखिल न होने पर एबीवीपी ने दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन किया। एबीवीपी ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस देशद्रोह के आरोपियों कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य पर नरमी बरत रही है। वहीं पुलिस ने कहा कि मामला बेहद संवेदनशील है इसलिए जल्दीबाजी ठीक नहीं। वेस्ट दिल्ली के सुभाष नगर में रात के वक्त एक नई फॉर्च्यूनर में आग लगाने की कोशिश की गई। गाड़ी के मालिक ने अपने घर के सीसीटीवी में फॉर्च्यूनर को आग की लपटों में देखा तो शोर मचाकर लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि 2 युवकों ने फॉर्च्यूनर में आग लगाई। वो जिस गाड़ी से आए थे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर पता चल गया है। पुलिस अब उनका पता लगाने की कोशिश कर रही है।